आज मैंने कहा चलो भाई ब्लॉग शुरुआत कर देती हूँ। ब्लॉग भी ये 2-3 दिन का आपको ऐड मिलेगा, इससे पहले की वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगी अब इसके बाद, क्योंकि मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं चलो भाई आज मैं आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे और हो सका तो आज ही बात करूँगी। और प्यारे प्यारे कमेंट मतलब थैंक यू, जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी मैं। और तो चलिए मैं मिलती हूँ आज थोड़ी देर में, और प्लीज़ कहीं भी स्किप मत करिए क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, और मेरा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है मॉर्निंग का जो मेरा है, बस थोड़ा सा बच्चे ने सोफे पर थोड़ी सही कर दी, ये करूँगी सेट, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग हल्की फुल्की झाड़ पूछा मेरा मॉर्निंग में आपको पता ही है जैसे कि लग ही जाता है। चलो तो फिर मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, और आज बना रही हूँ खाने में अरहर की दाल खटाई वाली, क्योंकि उस सब्जी को समझ ही नहीं आती, आलू वगैरह नहीं खाने मन कर रहा था, मैंने चलो सिंपल सा दाल बनाऊँगी और वही खाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में, और पीहू पड़ रही है और मैंने थोड़ी सुबह थोड़ा वैसे ही रखा है, इसे ही मैं सेट कर देती हूँ। तो चलिए पीहू भागने की तैयारी में है, पीहू सबसे पहले भागने का से रहता है, सबसे पहले निकलो घर से। चलिए थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। इधर मैं आ गई हूँ हॉल में, मैंने कहा सबसे पहले मैं बैट वगैरह सही कर देती हूँ, थोड़ी बैट वगैरह बच्चे खेलते रहे थे, और बच्चे खेल घर में होते तो आपको पता ही है तो घर थोड़ा हो ही जाता है ऐसे। तो मैंने इधर घर रूम ये भी सेट कर लिया, अंदर रूम मैंने पहले ही सेट कर लिया था क्योंकि वहाँ अंदर बच्चे गए ही नहीं, हॉल में ही मस्ती करते रहे। तो मैं वो सेट करने के बाद मैं आ गई किचन में, मैंने चलो पीहू मांगी थी पूड़ी, तो घर से ही मैं कल गई थी घर, तो वहाँ से पूड़ी वगैरह लेके आई थी। तो वो मेरा वीडियो कहीं स्किप हो गया है, मैं नहीं डाल पाई इसमें, और कुछ वीडियो मेरी स्किप हो गई इसलिए मैं थोड़ा ही वीडियो डाल पाई हूँ ये। तो मैंने चलो उसे दे देती हूँ, मांगी थी छोले पूड़ी, तो मैंने चलो भी छोले मैंने गर्म कर लिए थे तो मैंने साइड में रख दिया उसके लिए, और जब तक मैंने दाल भी देखती हूँ बन गई कि नहीं बन गई। इधर बच्चों में कुछ लड़ाई सी होने वाली थी तो मैंने साइड करके आई हूँ उधर। तो मैंने कहा चलो भाई इधर किचन भी थोड़ा पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मैसी हो ही जाता है, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी मतलब ये भी चले गए थे। तो मैंने बच्चों को दूध वगैरह सब कुछ जो मेरा काम है मैंने सारा फ्रीज कर लिया था मॉर्निंग का। तो मैंने कहा चलो भाई अब बर्तन वगैरह मैं खाली करूँगी, पीहू को चीज़ तवे पर थोड़ी मैंने पूरी गर्म करी थी वही दे दूँगी उसे भी। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, बाद मैं आ गई हूँ घर पे अपने मतलब घर कमरे में। तो मैं चलो भी बच्चों पैसे वैसे मिले थे तो वो गुल्लक उनकी याद है गुल्लक में डालने की, तो मैंने एक महीने से अभी कुछ टाइम से उन्हें याददारी है कि वो अपने पैसे मिले और गुल्लक में डाले, जिससे बच्चों को छोटे से ही सेविंग करने की आदत होती है, और मुझे ये आदत मेरे अंदर थी तो इसलिए मैं बच्चों के अंदर भी डालना चाहती हूँ। तो अभी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कहीं से भी पैसे मिलते सबसे पहले अपने गुल्लक में दोनों डालते हैं अलग, इसलिए नहीं बनाई कि ये तो पता क्या है बहुत शैतान है फिर एक दूसरे पर नुकसानी करते हैं। तो ये गुल्लक मम्मी ने दी थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने रखी हुई थी मेरे पास फालतू ही, तो मैं चलो भाई मैं इसका ही यूज़ कर लेती हूँ, बच्चे को चाहिए भी गुल्लक तो चलो। तो इधर बच्चे कह रहे हैं लाओ मैं और दो पीहू, पता क्या करते डालते डालते ही फाड़ने का डर रहता है इसके, तो इधर बहुत जल्दी होती थी पैसे डालने की। तो मैं चलो कुछ नहीं इस बहाने थोड़ा बच्चों को लग रहा है कि सेविंग करना सीख रहे हैं और अच्छी चीज़ें, खैर सेविंग करना जरूरी है बच्चों को शुरू से ही याद डालनी चाहिए थोड़ा सा। तो इधर मैं अपने वॉलेट में रख लूँ पैसे की, तो पीहू गई थी वो भी मैं डाल दूँगी। तो इधर मैं काफ़ी टाइम बाद मशीन लेके बैठी हूँ, मशीन लेके नहीं बैठी मतलब इसे साफ़ कर लूँ, मैंने काफ़ी टाइम से अंदर रूम में थी लाइटिंग प्रॉब्लम थी तो वो सुई डालना धागा भी नहीं डाल पाती, तो मैंने कहा चलो भाई आज मैं इसे तेल वगैरह डाल के रख देती हूँ। और लॉकडाउन में पहले तेल डला उसके बाद डला ही नहीं, और देखा तो मेरे बच्चों ने सीसी भी तोड़ दी थी, मुझे इतना गुस्सा है देखा तो मैंने थी नहीं, फिर मैंने इसी में डाला पैकिंग में था उसमें, तो फिर मैंने इसी में तेल डाल के इसमें डाला, मैंने बोला अभी मैं इसे कैसे भी कर लेती हूँ कम से कम थोड़े दिन तो सही सी रहेगी, जब तक मार्केट जाऊँगी मैं ले लूँगी कीप जो होती है वो कीप से अच्छे से तल जाता है अंदर तक। तो इसमें देखा मैंने वो जा नहीं रहा था, फिर इसका कवर जो था वो हटा दिया था मैंने, तो मैंने मशीन क्योंकि देने के लिए मशीन जरूरी है ही, तो मैंने चलो भी ये भी काम मैं कर लेती, बहुत दिनों बाद ये काम हो रहा है मेरा और धूप में रखूँगी काफ़ी स्मूथ चलने लग जाएगी मशीन। अगर आपकी मशीन में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तेल डालती रख दीजिए धूप में, 2-3 दिन रखोगे ना तो अपनी आप ही स्मूथ हो जाएगी मशीन, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी चलने में, कोई दिक्कत नहीं होगी ना आवाज़ आएगी। तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह बहुत दिनों बात कर रही हूँ, और वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती थी वो भी मैं बोलना ही भूल गई मतलब फिर, क्योंकि ये हुआ है ये काफ़ी टाइम हो रहा है एडिटिंग में, कल ये वीडियो आपके पास जाएगा और आज एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये 4-5 दिन पहले का है, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई कुछ टाइम से, बस कुछ है रीज़न। तो मैंने कहा चलो भाई मैं दिखा देती हूँ आपको जो ब्लॉग बनाया है मैंने, तो ये ब्लॉग मेरा बड़ा होने वाला था मैंने लेकिन इसे छोटा ही करा है, क्योंकि अभी कुछ लोग भी नहीं आ रहे मेरे यूट्यूब पर, काफ़ी फ्रेंड मेरे, तो मैं चलो भैया अभी ये मेरा इधर हो गया है मशीन वगैरह रखने के बाद मैं जाऊँगी किचन में,
क्योंकि अभी इतना टाइम था, बच्चों को पढ़ा भी लिया था, तो मैंने कहा सबसे ये एक्स्ट्रा काम जो होते हैं मैं उस टाइम करने के बारे में सोचती हूँ कि चलो भाई ये भी मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। और क्लीनिंग भी करनी है कुछ टाइम बाद, डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन देखती हूँ अभी जैसा तबीयत भी ऐसी ही आपको पता ही है, तो अभी मैंने चलो भाई ये काम भी करके रख दूँगी मशीन साइड में और अब मैं चलूँगी किचन में। तो बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे एक अच्छा लगता है आपके जब कमेंट आते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। किचन में बनाने जा रही हूँ खटाई वाली दाल। तो खटाई मैंने इधर ले ली है, सूखी हुई खटाई है ये, तो इसे मैंने पहले पानी से धो लिया था और उसके बाद पानी में बॉईल कर दिया। दाल भी मेरी बॉईल ज़्यादा ही हो गई है आज, तो मैंने चलो भाई जब तक वो पानी उबल रहा है इसका, आमी जो है कच्ची जो खटाई है वो मेरी बॉईल हो रही है, गल जाएगी अच्छे से। अगर संग डालती हूँ तो दाल गलने का नाम नहीं लेती है, इसे मैं अलग से डालती हूँ। तो इधर मैंने प्याज काट लिया है और सिंपल से दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से बनती है। मन भी कर रहा था कई दिनों से ना सिंपल सा खाने का, तो इधर मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है वीडियो की। तो पीहू अब सॉरी छोले पूरी अब देरी में पीहू को भूल गई थी, तो पीहू मांग रही थी, मैंने चलो भी दे देती हूँ। तो इधर रात को वहीं से आई थी, तो मैंने चलो भी नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर ही लिया था, मैं चलो अब दिन में दाल और रोटी बनाऊँगी और चावल देखूँगी थोड़ा सा मन करा था। तो इधर मैंने देखिए तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, सिंपल तरीके से दाल चुकी थी बिल्कुल, बहुत ही सिंपल से था। तो इधर मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी, बच्चे भी अगर खाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो बस मैंने इधर प्याज डाल दिया, लाल मिर्च हल्की से डाल दी, धनिया पाउडर वगैरह सारे मसाले वगैरह डालने के बाद अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद इसी में मैं दाल डाल दूँगी। और दाल सिंपल सी भी ज़्यादा बहुत अच्छी बनी थी, तो प्लीज़ आज का बताइएगा मुझे। और मैं एक बात बोलना चाहती थी कि मैं जो बोलना चाहती थी मैं भूल ही गई थी वीडियो में बोलने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।